हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल्स के साथ। एग्जांपल नंबर सेवन, ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है क्वेश्चन में। ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसमें ये पी एस स्टैंड कर रहा है क्यू आर लाइन पर, एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। इस सिंबल से हमें पता चल रहा है कि यह एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। दिस एंगल इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है। अब इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, वो दिख रहा है हमें, ठीक है। एंगल टी क्यू आर इज 40 डिग्री, दिस एंगल, एंड एंगल एस पी आर इज 30 डिग्री, एस पी आर, दिस एंगल। फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। सारी इंफॉर्मेशन फिगर में क्लियर है एंड इट इज गिवन ऑल्सो सेपरेटली, ठीक है। अब पहले आप देखिए ट्रायंगल क्यू, जब आप फिगर में देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये एक्स। इट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल पे ध्यान दें, ट्रायंगल क्यू टी आर, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। फिर एक्स को इजिली फाइंड किया जा सकता है, बिकॉज देन एक्स प्लस दिस, दिस मीन्स 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री विल बी 180 डिग्री, एंड एक्स कैन बी इजिली फाउंड आउट, ठीक है। सो इन ट्रायंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज 180 डिग्री। रीजन देना जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यूज पुट कर दो तीनों एंगल्स की। जब हम ट्रायंगल क्यू टी आर बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है एंगल क्यू यही इतना ही एंगल है, एंगल टी क्यू आर है, ठीक है। सो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 90 प्लस 40 130 आ जाएगा। उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 डिग्री, वेरी सिंपल। नेक्स्ट y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए अगर आप फिगर को फिर से ध्यान से देखो, ये y है, ये 30, ये x, और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ट्रायंगल पी एस आर का ये एक्सटीरियर एंगल है एस पर। तो वी नो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि वाई एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर वाई विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। और यहां पर इज एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड की है, तो इजिली वी कैन मेजर कैलकुलेट वाई। सो वाई इज इक्वल टू एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस, साइड पे लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल है इस करके, बिकॉज वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी हमने 50 डिग्री निकाली है, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सो वाई इज 80 डिग्री। तो इस ट्राइंगल वाले इस क्वेश्चन में सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल यूज करके दोनों एक्स और वाई हमने निकालनी है वेरी इजीली। एग्जाम्पल एट, ये फिगर दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में। दिखने में लग रहा है कि डिफिकल्ट है फिगर, बट डोंट वरी, काफी इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हमें दिया क्या है फिगर में, कि दिख रहा है हमें ये एबीसी इज अ ट्राइंगल। इन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल, द साइड ए बी एंड साइड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स E and D respectively। तो ये दो साइड को आगे प्रोड्यूस करके ये लाइन आई है, ये दिख रही है हमें, ठीक है। और ये BO, ये BO क्या है, इस एंगल CBE का बाइसेक्टर, और ये CO क्या है, एंगल BCD का बाइसेक्टर। तो लिखा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBE and BCD they meet at point O, ठीक है। तो इन द फिगर हमें पता है कि ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड, ये वाला साइड इनका एक्सटेंड किया गया है, आगे प्रोड्यूस किया गया है आगे, और ये इसका, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है बीओ, और इसी तरह सीओ इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। दे मीट एट पॉइंट ओ। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी मतलब ये वाला एंगल, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब एक्स। तो हमें प्रूफ करना है कि दिस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ बी ए सी।
थोड़ा दिखने में ये लगता है कॉम्प्लिकेटेड, बट ये काफी इजी है. ओके, तो सिर्फ वही दो प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है. मोस्टली हमें वी कैन यूज द प्रीवियस प्रॉपर्टीज दैट यू हैव स्टडीड विद पैरेलल लाइंस या लीनियर पेयर एक्सियम. जो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज है वो यूज करोगे, या ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज आपने देखी है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी और एक एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, तो यही यूज करके आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलिए पहले हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं. हमें पता है कि हमारा फाइनल आंसर इस एक्स और बी ओ सी के टर्म में होना चाहिए. ठीक है, ये रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों ही एंगल्स हमें इन्वॉल्व करने हैं. तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी देखें, यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको वन नंबर दे दीजिए. रीजन मैंने लिखा नहीं है, पर आपको लिखना है. आपको पता है क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये एंगल वाई है. ठीक है, एंगल वाई इज एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ई ये वाला एंगल है. ठीक है, और अगर एंगल सी बी ई और वाई ये दोनों क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, तो उनका सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ई बी सी, ई बी सी इज हाउ मच, 180 डिग्री माइनस वाई, कारण लीनियर पेयर एक्सियम. और क्योंकि ये दिया गया है कि ओ बी इस ई बी सी एंगल का बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज हाफ एंगल ई बी सी, बिकॉज ओ बी इज अ बाइसेक्टर. ठीक है, सो एंगल ओ बी सी इज हाफ एंगल ई बी सी इज इक्वल टू ई बी सी के ऊपर डालिए जो हमने निकाला है 180 डिग्री माइनस वाई. ठीक है, वो सब्सटीट्यूट कीजिए, ब्रैकेट खोलोगे तो हाफ मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, 180 by 2 90 degree and minus y by 2. तो angle OBC आपको मिल गया 90 degree minus y by 2. इस equation को 2 number दे दीजिए. इसी तरह same way में अगर हम proceed करें, angle BCD कितना होगा, 180 degree minus z, और angle BCO कितना होगा, ये इस पूरे angle का half है. ठीक है, क्योंकि CO bisector है, तो एंगल बी सी ओ इज हाफ एंगल बी सी डी. ठीक है, एंगल बी सी ओ इज हाफ एंगल बी सी डी. हाफ इंटू बी सी डी कितना है, जैसे हमने पहले किया था, हमें पता है कि इट इज मेकिंग लीनियर पेयर विथ दिस जेड, सो 180 डिग्री माइनस जेड. फिर से ब्रैकेट ओपन कीजिए, डिवाइड कीजिए ईच टर्म को 2 के साथ, एंड यू गेट एंगल बी सी ओ इज 90 डिग्री माइनस जेड बाय 2. इसको 3 नंबर दे दीजिए. ठीक है, अब ट्राइंगल बी सी ओ, अगर हम ट्राइंगल बी सी ओ लें, तो इसके 3 जो एंगल्स हैं इनका प्लस भी 180 डिग्री होना चाहिए. सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ, इन तीनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए. रीजन आप रीजन दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, अब एंगल बी ओ सी तो हमें पता नहीं है, तो हम वैसे ही लिखेंगे. प्लस एंगल ओ बी सी और एंगल बी सी ओ के लिए 2 or 3 इक्वेशंस यूज करें, तो साइड पे लिखना है यूजिंग 2 and 3, और उनकी जो एक्सप्रेशंस हमने निकाले हैं वो पुट कीजिए. 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 फॉर एंगल ओ बी सी, और बी सी ओ के लिए 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2. ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 90 प्लस 90 आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस देखो एंगल बी ओ सी प्लस 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, माइनस वाई बाई 2 माइनस जेड बाई 2. आप माइनस बाहर निकाल दीजिए और हाफ भी बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में रह जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो कुछ सिंपल स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, आपको फास्ट करना होता है, तो छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशंस आप डायरेक्टली कर सकते हो. सो लेट अस प्रोसीड नाउ. तो चलिए इस स्टेप के बाद ऊपर चलते हैं. ठीक है, एंगल बी ओ सी प्लस 180 डिग्री माइनस हाफ वाई प्लस जेड लिखा है वहां पर, तो माइनस हाफ वाई प्लस जेड की जगह आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x plus y plus z is 180 degree. तो 1 से हम y plus z is equal to 180 degree minus x लिख सकते हैं. तो आप यहाँ पर half into bracket में नीचे था y plus z,
तो y plus z की जगह आप लिखोगे 180 degree minus x is equal to 180 degree. रीजन दे दीजिए फ्रॉम 1. ये 180 डिग्री आप चाहे पहले कैंसिल कर देते वहां पर, नहीं तो मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए. ये 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों तरफ से कट कर दीजिए. फिर क्या बचेगा आपके पास, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, इस माइनस हाफ को उस साइड ले जाइए, पॉजिटिव बन जाएगा ये टर्म पूरा. सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस एक्स. हाफ को आप दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सेपरेटली, तो आंसर 180 by 2 आपको आ जाएगा 90 degree minus x by 2. So angle BOC is 90 degree minus x by 2. But x क्या है अपना angle? BAC. So 90 degree minus half into angle BAC is equal to angle BOC. Very simple. ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिखने में difficult लग रहा था, simply angle sum property हमने use की है इस triangle के लिए और इस दूसरे triangle के लिए. ये जानते हुए कि दिस इज अ बाइसेक्टर, तो ये इस एंगल को इजीली वाई के टर्म में लिखा जा सकता था, इस एंगल को इजीली जेड के टर्म में लिखा जा सकता था, और देन दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 180 डिग्री. तो यहाँ से आप सेकेंड जो टर्म है उसमें वाई प्लस जेड की जगह वैल्यू पुट कीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो हमने ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल के लिए लिखी है, तो ईजिली वी कैन प्रूव दिस. होप इट इज क्लियर टू यू. तो अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के साथ. एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. अब ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, हमें फिगर में दिख रहा है कि दिस एंगल लेबलिंग दी हुई है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, वी कैन सी दैट दीज टू आर एक्सटीरियर एंगल्स एज द साइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड. ओके, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ आर प्रोड्यूस्ड, QP एंड RQ आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S एंड T रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इफ एंगल SPR, एंगल SPR इज 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज 110 डिग्रीज, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल PRQ. ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आप दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. पहला तो ये कि अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो आपको ये एंगल फाइंड कर सकते थे अगर आपको ये और ये एंगल पता होते, और वो आपको फिगर में दिख रहा है कि इजीली आप लीनियर पेयर एक्सियम यूज करके इन दोनों को फाइंड कर सकते हो और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इस एंगल को फाइंड कर सकते हो, या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके, जिस तरह हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं पहले लीनियर पेयर एक्सियम यूज करके, फिर एक्सटीरियर एंगल दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मींस दिस प्लस दिस एंगल, तब भी हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस सी द टू मेथड्स किस तरह ये सॉल्व किया हुआ है. तो पहले एक्सटीरियर एंगल वाला मेथड यूज किया है. सो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर एक्सियम. तो एंगल क्यू पी आर कितना होगा, स्टेप वाइज आप फॉलो करोगे, यू नो इट इज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री, इसको आप वन नंबर दे दीजिए. अब ये एंगल आपको पता चल गया 45 डिग्री है, ये एंगल आपको फाइंड करना है. यू नो दैट एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल एंड दीज टू आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी है, ये थ्योरम प्रूफ की है. सो 110 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हमने ऊपर फाइंड किया है, फ्रॉम 145 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू. देयरफोर एंगल पी आर क्यू इज 110 माइनस 45 डिग्री, दैट इज 65 डिग्रीज. तो इस केस में हमें एक ही एंगल फाइंड करना पड़ा और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया. चलिए अब देखते हैं कि अगर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन तक फॉलो करके दूसरा मेथड ट्राई करते हैं. दूसरा मेथड में हमने पहले ये एंगल तो फाइंड कर लिया है जिस तरह यहाँ किया है, अब एंगल पी क्यू आर को फाइंड करेंगे सेम मेथड के साथ. तो सिमिलरली लिखा है, सो वी कैन शॉर्टन द स्टेप्स, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप साइड पर रीजन दोगे यहाँ पर, लीनियर पेयर एक्स या therefore this is equal to 70 degree. मतलब angle PQR आपका 180 minus 110 70 degree आ गया.
ये एंगल आपने अभी फाइंड कर लिया 45 डिग्री, तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हो. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज 180 डिग्री. रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब दो एंगल्स तो आपको पता ही है, पी क्यू आर इज 70 डिग्री आपने निकाले हुए, इसको आप नंबर टू दे सकते हो फ्रॉम वन एंड टू. सेकेंड एंगल फ्रॉम वन इट इज 45 डिग्री. पी आर क्यू आपने फाइंड करना है. थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इनको ऐड करोगे 115 डिग्रीज, टेक इट टू द राइट हैंड साइड, तो आपको मिल जाएगा एंगल पी आर क्यू इज 180 डिग्री माइनस 115 डिग्रीज, 65 डिग्रीज. तो आप किसी भी मेथड को यूज करके ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हो. एक्सरसाइज 6.3 का सेकेंड सम, ठीक है. इन दिस फिगर, ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में. इन दिस फिगर वी कैन सी ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज देयर एंड वी कैन हैव हियर ट्राइंगल ओ वाई जेड ऑल्सो. सो इन दिस फिगर एंगल एक्स इज 62 डिग्रीज, एंगल एक्स वाई जेड दिस कंप्लीट एंगल इज 54 डिग्रीज, एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली of triangle XYZ. Find angle OZY, OZY means this angle, and YOZ, YOZ, ये वाला एंगल, ठीक है. तो फिगर में क्लियर है कि ये एंगल दिया हुआ है, ये कंप्लीट एंगल 54 डिग्री है. आपको ये एंगल, एंगल OZY फाइंड करना है और एंगल YOZ, ठीक है. चलिए देखते हैं. इन फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आपको पता है इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वो नीचे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैंने, ठीक है. वो रीजन 180 डिग्री के आगे देना है, बिहाइंड 180 डिग्री. अब वैल्यूज पुट कीजिए इन एंगल्स की, तो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज 180 डिग्री. सो एंगल्स एक्स जेड वाई इज इक्वल टू, एक स्टेप मैंने मिस किया है, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि 62 प्लस 54 इज 116 डिग्रीज. सो 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज 180 डिग्री एंड एंगल एक्स जेड वाई इज 180 डिग्री माइनस 116 डिग्रीज डालना है आपने वहां. So 180 minus 116 is equal to 64 degrees. ठीक है, 116 के ऊपर भी डिग्री साइन डालना. नेक्स्ट एक्स जेड वाई आपको पता चल गया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई. आपको पता है ओ जेड इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल ओ जेड वाई इज हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई. हाफ ऑफ एक्स जेड वाई मीन्स हाफ ऑफ 64 डिग्रीज, दैट इज 32 डिग्रीज, ठीक है. आप चाहें तो साइड पर रीजन दे सकते हैं कि OZ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY. नेक्स्ट, नाउ एंगल OZY आपको 32 डिग्री मिल गया है, इसको नंबर वन दे दीजिए. अब एंगल OYZ, OYZ इज आल्सो जस्ट सेम वे, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ इंटू 54 डिग्री इज 27 डिग्री, ठीक है. इसका भी रीजन सेम है, दैट ओ वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. दोनों एंगल्स आपको मिल गए, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल ओ वाई जेड. आपको ये एंगल फाइंड करना था और ये एंगल फाइंड करना है. अब आपको इस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ओ वाई जेड के दो एंगल्स पता चल चुके हैं, तो एंगल वाई ओ जेड तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. So in triangle OZY, angle OYZ plus angle YOZ plus angle OZY is 180 degree. Reason मैंने question mark डाला है, आप लिख दीजिए angles are property of a triangle. So value put कीजिए from 1 and 2, we know that 27 degree plus angle YOZ plus 32 degree is 180 degree. यहाँ पर भी आप आगे एक और स्टेप शो कर सकते हो, 32 प्लस 27 इज 59 डिग्रीज. सो 59 डिग्रीज प्लस एंगल वाई ओ जेड इज 180 डिग्रीज, और 59 को उस तरफ ले जाओगे माइनस हो जाएगा. सो एंगल वाई ओ जेड इज 180 माइनस 59 डिग्रीज,
द आंसर इज 121 डिग्रीज। तो आप इजीली एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इस पूरे एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया है। एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरी ये चीज़ें यूज करके दिस सम इज वेरी इजी टू डू। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। उम्मीद है आपको सारे जो आज हमने एग्जाम्पल्स किए हैं और सम्स किए हैं आपको समझ आ गए होंगे। सो विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 6.3 एंड मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश एक्सरसाइज 6.3 एंड सो विल फिनिश द चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चैप्टर 6 ये एक्सरसाइज 6.3 है तो ये खत्म कर देंगे हम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।